वेलकम बैक टू के एस बर्ड्स अपडेट अस्सलाम वालेकुम आज जो है हम रिंग नेक के बॉक्स लगाएंगे ठीक है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग मुझसे पूछ रहे थे कि रिंग नेक के बॉक्स हम कब लगाएँ क्योंकि अलेक्ज़ेंड्राइन के बॉक्स हम लगा चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनका रिएक्शन भी मैंने आपको दिखाया था इंशाल्लाह बहुत जल्दी जो है वो अलेक्ज़ेंड्राइन की प्रोग्रेस भी दिखाएंगे हम ब्रीडिंग की अच्छा रिंग नेक के मुतल हम अगर बात करें तो जी बिल्कुल रिंगनेक के जो है बॉक्स लगाने का टाइम आ चुका है क्योंकि माशाल्लाह से कराची का मौसम अब काफ़ी ज़्यादा बेहतर होता जा रहा है वक्त के साथ ठीक है पिछले टाइम जो है पिछले महीने भी बहुत ज़्यादा गर्मी थी यहाँ कराची में जिसकी वजह से हम अपने बर्ड्स को जो है वो इस्प्रे कर रहे थे पानी का ताकि हमारे बर्ड्स जो है वो गर्मी से महफूज़ रह सकें मगर अलहमद्लह कराची का मौसम बहुत अच्छा हो चुका है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बारिश भी हुई है तो चलें मैं आपको थोड़ा बहुत दिखाती हूँ कि मौसम जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो चुका है और बारिश तो बहरहाल यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हो गई है अच्छा जो बारिश के बाद का है टाइम ठीक है जो मैं आप लोगों को दिखा खा रही हूँ काफ़ी ज़्यादा रोड पे पानी भी जमा है अच्छा इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ठंडी ठंडी हवाएं भी चलना शुरू हो गई हैं तो हमारे बर्ड्स भी काफ़ी ज़्यादा खुश हैं हैप्पी हैं और फिर हम बॉक्स लगा रहे हैं तो उनकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है ठीक है तो बहरहाल तो चलें अभी जो है मैं थोड़ा सा आपको दिखा रही थी कि मैंने सोचा कि आप व्यूवर्स को भी अपने जो है वीडियो के साथ शेयर करूं, ये देखें आप काफ़ी ज़्यादा पानी जो है अभी रोडों पर जमा है ठीक है उम्मीद है कि आने वाला मौसम जो है वो इंशाल्लाह और बहुत सा बेहतर होगा ठीक है क्योंकि अब सर्दी आने वाली है तो चलिए अभी अगर हम बॉक्स की तरफ चलते हैं तो ये बॉक्स का जो है हमारी सेटिंग चल रही है हमारे सेटअप पर आ, तो एक के बाद एक जिस तरह हमने अलेक्ज़ेंडर एंड के बॉक्स लगाए थे तो रिंग नेक के भी हम इसी तरह लगा रहे हैं ठीक है ये बॉक्स जो है हमने पिछले साल बनवाए थे <coughs> उसके बाद ये हमने कलर करवाया है तो ये पेंट जो है इसके ऊपर बारिश है जो अभी पिछले दिनों हुई है तो उसकी वजह से थोड़ा सा कलर जो है वो डिम पड़ गया है मगर कलर करने से ये होता है कि थोड़ा सा अच्छा सा लुक आ जाता है हमारे केजेस में जब ये बॉक्स लगे हुए होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा बॉक्स लगे हुए अच्छे लगते हैं ठीक है थीके? तो ये स्टिक की हम अभी सेटिंग कर रहे हैं तो वो मैं अभी आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी ठीक है ऐसे आपको समझ नहीं आएगा क्योंकि जब बॉक्स लग जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि स्टिक की क्या सेटिंग होती है किस तरह से जो है स्टिक लगाई जाती है और इसका फ़ायदा क्या होता है कि अगर हम स्टिक सही तरह लगाएंगे और अगर सही से स्टिक नहीं लगी हुई तो इसमें ब्रीडिंग के टाइम पर जो है हमारे बर्ड्स को क्या प्रॉब्लम हो सकती है ठीक है तो अभी जो है वो हमारा जो स्प्लिट हमारी म्यूटेशन ऊपर जो मैंने आपको दिखाया है अभी ये देख सकते हैं कि इसका जो है बॉक्स लग चुका है ठीक है सबसे पहले हमने इसी का बॉक्स लगाया है तो अच्छा ये जो है स्प्लिट मोटेशन पे मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द वीडियो बनाऊंगी क्योंकि मुझे इंडिया से जो है काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं कि हाई पे और स्प्लिट मोटेशन पे जो है आप वीडियो बनाएं ठीक है बार बार कमेंट्स आ रहे हैं तो मैं कोशिश होगी कि मैं बहुत जल्दी वीडियो बनाऊँ अच्छा ये जो है हम रिंग नेक के बॉक्स अब कौन से पेयर का जो है वो किस तरह से रुझान है बॉक्स की तरफ ये हमें ज़रूर देखना होता है क्योंकि बॉक्स अगर मैं बॉक्स इसलिए अभी लगा रही हूँ क्योंकि मेरे जो पेयर्स हैं ठीक है ठीके? मेरे पास जो पेयर्स हैं रिंगनेक के अलहमदिल्ला ये ब्रीडर पेयर्स हैं अगर आप फर्स्ट टाइम आप पेयर बना रहे हैं तो पहले आपने अपने पेयर का रिएक्शन देखना है ठीक है उसके बाद ही आपने बॉक्स लगाने हैं कि रिंग नेक में आपस में फ़ाइट ना हो रही हो जैसे कि मैंने तरीका आपको बताया था बहुत सारी वीडियो में बताया है नए देखने वालों के लिए मैं दोबारा से बता देती हूँ कि आपने इस तरह करना है कि जिस साइड पर आपने ब्रीड करवानी है यानी बॉक्स लगाना है ठीक है जैसे कि आप पूरा केज देख रहे हैं मेरे पास तो इसमें बीच में जगह है कि मैं बीच में नेट लगा सकती हूँ तो मेल एक तरफ हो जाएगा फीमेल एक तरफ हो जाएगी ठीक है दोनों डिवाइड हो जाएंगे एक ही केज में अच्छा ये जिस तरफ में ये के, ये बॉक्स लग रहे हैं ठीक है थीके? ये आप देख सकते हैं कि जहां जिस साइड पर हम बॉक्स लगा रहे हैं तो आपने इस तरह करना है कि इस तरफ बॉक्स लगाकर या अगर आपके पास इस तरह का पिंजरा नहीं है तो आप दो केजेस जो सिंगल वाले केजेस होते हैं वो भी आप लेके जो है बराबर बराबर में रख सकते हैं ठीक है ठीके? जो भी आपकी अपने सेटिंग है सेटअप की उस हिसाब से तो इस तरह हमने जो है यहाँ पे बॉक्स लगा देना है ठीक है इस साइड पे मैं मेल को छोड़ दूँगी अगर मेरा कोई पेयर ऐसा होगा जो सेट नहीं होगा तो मैं इस साइड पर मेल को छोड़ूँगी बीच में मैं लगाऊँगी नेट और दूसरी साइड पर जो है वो मैं वो मैं छोड़ दूँगी फीमेल को ठीक है उसके बाद मैं इनका रिएक्शन देखूंगी यानी मेल अगर फीमेल में इंटरेस्ट ले रहे हैं या फीमेल मेल में इंटरेस्ट ले रही है ठीक है या वो फूड एक्सचेंज करने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं बीच में से नेट निकाल दूंगी ठीक है बीच में से नेट निकालने के बाद फिर मैं इनको सेपरेशन दूंगी सेपरेशन देने के बाद हमारा पेयर जो है वो ख़ुद ही बॉन्ड हो जाएगा ठीक है तो ये ज़रूरी है कि जहाँ पे आ, आपने ब्रिड करवानी है उस तरफ आपने मील को लाजमी छोड़ना है ठीक है तो इस तरह से पेयरिंग की जाती है और मैंने भी अपने बर्ड्स की इसी तरह से पेयरिंग की है ठीक है ऊपर जो आप स्प्रिट मोटेशन देख रहे हैं जो दो डिफरेंट कलर के ग्रे कलर की फ़ीमेल और ग्रीन कलर का मेल है तो उसकी भी मैंने इसी तरह से की थी अलेक्जेंड्राइन के जो है हम बॉक्स लगा चुके थे ठीक है जो पिछली वीडियो मैंने बनाई थी तो अलहमद्ला इनका जो है रिएक्शन अच्छा आ रहा है ठीक है तो वक्त के साथ साथ इनकी जो भी प्रोग्रेस होगी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अच्छा तो ये वाला जो पेयर है इसकी भी मैंने इसी तरह से पेयरिंग करी थी कि मैंने पहले मेल को साइड पर छोड़ा था ठीक है फिर मैंने फ़ीमेल को दूसरी साइड पर छोड़ा था जब इन दोनों का आपस में जो है मुझे लग रहा था कि पेयर बॉन्ड हो जाएगा क्योंकि वो फाइट नहीं कर रहे थे स्टार्टिंग में फ़ाइट कर रहे थे मगर उसके बाद जो है ये जैसे पिछल, पिछला पिछला सीज़न जो गुज़रा था ठीक है उसमें ये फ़ाइट कर रहे थे मगर जैसे इनका पीक सीजन आया जो कि जनवरी है ठीक है जनवरी फरवरी इनका पीक सीजन है तो उस दौरान जो है वो आ, मेल फीमेल का आराम से पेयर बॉन्ड हो गया था और इन्होंने ब्रीड कर दी थी क्योंकि फर्स्ट ब्रीड थी ठीक है फर्स्ट ब्रीड में क्योंकि ये मेल की भी फर्स्ट ब्रीड थी जबकि मेल की एज तकरीबन आठ साल है और फीमेल की भी तकरीबन तीन साढ़े तीन साल इसकी एज है मगर इन दोनों की ही फर्स्ट ब्रीड थी ठीक है क्योंकि जहाँ से मैंने ये परचेज किया था तो उनके पास भी जो है उन्होंने ब्रीडिंग पे नहीं लगाया था तो ये मेरे पास ही आके ब्रीड पे लगे थे अच्छा फर्स्ट ब्रीड में जो है काफ़ी ज़्यादा एग्स ख़राब भी हो जाते हैं काफ़ी लोगों में पिछले साल मुझसे पूछ रहे थे कि इनका रिजल्ट क्या आया ठीक है जब जबकि मैंने वीडियो में बताया था मगर फिर भी काफ़ी लोग जो है वो उसका रिज़ल्ट पूछ रहे थे कि इसका रिज़ल्ट क्या आया तो मैं आपको बताऊं कि इसके एग्स आ गए थे अलहमद एग्स बिल्कुल फ़र्टाइल थे मगर पिछले सीज़न में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ी थी जब काफ़ी ज़्यादा लोगों का नुकसान हुआ था ठीक है बॉक्स में काफ़ी ज़्यादा एग्स थे मगर वो गर्मी की वजह से नमी की वजह से चिक्स जो है वो एग के अंदर ही जो है वो उनकी डेथ हो गई थी तो ये प्रॉब्लम ये इशू काफ़ी ज़्यादा लोगों में आता है स्पेशली जिनकी फ़र्स्ट ब्रीड होती है उनके साथ ऐसा होता है कि एग्स ख़राब हो जाते हैं ठीक है अनफर्टाइल होते हैं अनफर्टाइल का इशू बहुत ज़्यादा आता है ठीक है तो इसलिए हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए मगर अलहमदिल्ला फ़र्स्ट ब्रीड में इनके एक भी एक, चार एग ले करे थे मगर एक भी एग जो है वो अनफर्टाइल नहीं था मगर गर्मी की वजह से नमी की वजह से वो एग ख़राब हो गए थे ठीक है तो इन इस साल जो है हम इनकी ब्रीड लेंगे क्योंकि ये सेकेंड ब्रीड होगी और उसके बाद मैंने अपने बर्ड्स का ख्याल भी बहुत ज़्यादा रखा तो इस पेयर की मैं लाजमी आप लोगों के साथ ज़रूर इसकी प्रोग्रेस शेयर करूँगी अच्छा फ़ीमेल का आप देख सकते हैं कि इसका जो है वो रुझान बॉक्स की तरफ ज़्यादा है ठीक है तो ये एक निशानी होती है कि अगर हमने बॉक्स अभी लगाए हैं अभी आपके सामने ही ये बॉक्स लग रहे थे ठीक है और फ़ीमेल का जो है फ़ौर आप रिएक्शन देख सकते हैं कि क्या रिएक्शन आ रहा है तो ये अच्छे पेयर की निशानी होती है ठीक है और जो पेयर्स अभी इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं वो दो चार दिन में इस इनका जो है रुझान बॉक्स की तरफ हो जाएगा तो अभी जो है वो बारिश का मौसम तकरीबन बारिश रुक चुकी है ठीक है मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया काफ़ी जो है वो हवा चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह तो उम्मीद है कि ब्रीडिंग सीज़न भी जो है वो जल्दी आ जाएगा गर्मी मज़ीद और कम होगी तो हमारे तमाम बर्ड्स जो हैं वो बॉक्स ले लेंगे ठीक है तो ब्रीडिंग के लिए भी तैयार हो जाएंगे अच्छा यहाँ कराची में जो है बहुत ज़्यादा हफ्स हुआ हुआ था आप लोगों के शहर में आप लोगों के मुल्क में किस तरह का मौसम है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा ठीक है क्योंकि जो कराची उन, से हैं उन्होंने कैसे इंजॉय करा ठीक है ये तो आ, मुझे पता है कि किस तरह से इंजॉय किया होगा क्योंकि माशाल्लाह बहुत ज़्यादा यहाँ पर हवा चली है बहुत बारिश हुई है मगर कराची के अलावा भी आप लोग जहाँ रहते हैं वहाँ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा आप मेरी वीडियो में कि वहाँ पर आप लोगों का बारिश हुई है या नहीं हुई है किस तरह से आपने एंजॉय किया है आपके बर्ड्स ने किस तरह एंजॉय करा है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए अभी इसका रुझान इतना ज़्यादा नहीं है बॉक्स की तरफ ठीक है क्योंकि ये अभी अभी मैंने बॉक्स लगाया है तो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा मगर ऊपर वाले पेयर जो है वो फ़ौरन इसकी फ़ीमेल जो है वो ब्रीड करने के लिए इसको आ, लग रहा है कि बहुत जल्द तैयार हो जाएगी सही है क्योंकि इसका मेल जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है माशाल्लाह से परफेक्ट है तो वो बहुत जल्दी उम्मीद है कि इसकी ब्रीड आएगी और इस साल जो है इसकी म्यूटेशन की आती है वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी अच्छा नीचे ये मेल जो है वो टॉकिंग है ठीक है इसका ध्यान जो है वो टॉकिंग की तरफ ज़्यादा है अच्छा ये हैंड टेम होता तो इसका बॉक्स की तरफ इतना रुझान नहीं होता इसलिए मैं कहती हूँ कि हैंड टेम जो है कोशिश करें कि नहीं रखें इसलिए मैंने इस पेयर को हैंड टेम नहीं किया ठीक है मगर फिर भी ये पूरा पेयर जो है ये टॉकिंग है मगर अगर इनकी इन, इन स्पेयर के पास जाके टॉकिंग करो तो बॉक्स से हट के ठीक है ब्रीड से हट के इसका रुझान जो है वो हमारी तरफ हो जाता है यानी टॉकिंग की तरफ हो जाता है ठीक है तो टॉकिंग इतना इशू नहीं होता मगर अगर हैंड टेम है तो वो ज़्यादा इशू होता है क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि हारमोन्स जो हैं वो हारमोन्स का होता है कि अगर इंसानी हारमोन्स क्योंकि हम हाथ में लेते हैं अगर तो इंसानी हारमोन से ये ज़्यादा मानूस होते हैं तो इस वजह से हैंड टेम ना करें जो भी अपना ब्रीडर पेयर बनाएँ आप ठीक है और अगर हैंड टेम है वो तो आपने फिर अभी इसी सीज़न से जो है वो छोड़ देना है केज में ठीक है फिर वो पूरा साल केज में ही रहेगा तो वो हार्मोन्स की जो खुशबू होती है वो थोड़ी आ, हमारे पेयर में से ख़त्म हो जाती है अच्छा इसका जो है आ, ग्रीन रिंगनेक का इसका भी कुछ कुछ रुझान जो है वो आ, बॉक्स की तरफ हो रहा है ठीक है मेल का रुझान जो है वो ज़्यादा होता है ये अच्छा स्टिक का मैं आपको बता रही थी कि देखें स्टिक जो है वो ब्लू वाली की थोड़ी सी दूर लगाई हुई है मैंने दूर इसलिए लगाई है ठीक है ताकि आपको मैं सही से बता सकूँ यानी नीचे वाला ग्रीन वाले पेयर और ऊपर वाली जो फ़ीमेल है ठीक है इन दोनों की जो ऊपर और नीचे केजेस हैं इन दोनों की स्टिक मैंने करीब लगाई हुई है और जो बीच वाला पेयर है ब्लू वाला उसकी स्टिक मैंने दूर लगाई हुई है ठीक है अच्छा इसका रुझान जो है वो बॉक्स की तरफ है इसलिए क्योंकि मैंने स्टिक करीब लगाई है तो ये आराम से आ जा सके ठीक है तो उसका इंटरेस्ट जो है जब वो स्टिक में बैठेगा तो उसका इंटरेस्ट बॉक्स की तरफ ख़ुद ब खुद ही होगा इसलिए स्टिक जो है आप करीब करके लगाएं बॉक्स के करीब करके लगाएं ठीक है तो वो ज़्यादा अच्छा होता है पेयरिंग बनाने के लिए ब्रीड के लिए बेस्ट होता है स्टिकीब लगा तो जब भी बॉक्स लगाएं तो स्टिक का ज़रूर ख्याल करें कि स्टिक जो है वो बॉक्स के करीब ही होनी चाहिए तो आज की मेरी ये वीडियो थी कि हम रिंगनेक की बॉक्स लगा रहे थे और कुछ बारिश का जो है वो आपको दिखाना था बताना था कि माशाला से कराची का मौसम अब बहुत अच्छा हो चुका है तो ये आज की मेरी वीडियो थी उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके ज़रूर बता दिएगा जानने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज कमेंट्स में जरूर बताइएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा थैंक्स फॉर वॉचिंग